नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ब्रेकिंग न्यूज़। न्यूज़ ये है कि जैसा कि आपको पता होगा, अभी एसएससी 10+2 के एडमिट कार्ड डाउनलोड मतलब अपना सेंटर जानने के लिए नोटिस जारी की गई थी, जिसमें आप अपना सेंटर जान सकते हैं। अभी इसका एग्ज़ाम होगा 12 अक्टूबर से एग्ज़ाम इसके होने थे और ये होंगे, बट इसमें जो है कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है कि एसएससी 10+2 के अलावा जितने भी एग्ज़ाम होने थे अक्टूबर या फिर नवंबर में या दिसंबर में, उनको जो है चेंज कर दिया गया है। उनकी डेट जो है चेंज कर दी गई है, उनका मंथ भी चेंज कर दिया गया है। कब होगा उसके बारे में हम जानकारी देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया गया है कि सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इम्पॉर्टेंट नोटिस। नोटिस क्या है आप देख सकते हैं, दिया गया है 22 सितंबर 2020 ऑन 22 सितंबर 2020 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड डिक्लेयर्ड रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर 2020 टू 31 अगस्त 2021। इनके बीच में जो एग्ज़ाम होने थे, हाउ एवर इन व्यू ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट ऑफ बिहार फॉर द फॉलोइंग रिजल्टेंट मॉडिफिकेशन हैव बीन नेसेसिएटेड इन द शेड्यूल ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस। मतलब ये जो बिहार में जो भी इलेक्शन होगा, इसकी वजह से ये जो है इनमें बदलाव कर दिया गया है, डेट में बदलाव किया गया है। कब किसका एग्ज़ाम होगा इसके बारे में हम बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर 2019 का एग्ज़ाम कब होगा, ये सीबीटी जो फर्स्ट होगा पेपर फर्स्ट, इसका एग्ज़ाम होना था 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, लेकिन अब जो है ये डेट चेंज कर दी गई है। इसका एग्ज़ाम जो बिहार स्टेट होगा, बिहार स्टेट में 11 नवंबर को होगा, 11 नवंबर 2020 को बिहार में होगा। और बाकी की जो डेटें इसमें हैं कि 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, बीच जो ये पुरानी वाली जो डेट थी, इस डेट में बाकी के स्टेट में एग्ज़ाम होंगे। मतलब बिहार में इलेक्शन होने की वजह से बिहार में जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम जो कराया जाएगा वो 11 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बट बाकी के जो स्टेट हैं उसमें पुरानी वाली ही डेट पर एग्ज़ाम होगा, 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और फिर अब आते हैं दूसरी डेट। दूसरा क्या है, CGL, ये टीयर टू, मतलब CGL का टीयर टू का एग्ज़ाम 2019 वालों का, ये डेट थी 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में, बट इसमें बदलाव कर दिया गया है। ये जो होगा एग्ज़ाम, ये अब होगा 15 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में। CGL 2019 टीयर टू का एग्ज़ाम ये 15 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन पोस्ट फेज़ एट 2020 की जो एग्ज़ाम होगा, ये पहली थी 6 नवंबर का 10 नवंबर के बीच में, अब जो है इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया, इसमें जो बिहार जो स्टेट है उसमें फेज़ एट का जो एग्ज़ाम होगा वो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा बिहार में, और बाकी के जो स्टेट हैं बिहार के अलावा उसमें जो है पुरानी वाली ही डेट, मतलब 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम कराया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, स्टोनोग्राफर, तो स्टोनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2019 का जो एग्ज़ाम होगा, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है, ये होना था 16 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में, बट इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। ये कब होगा, ये होगा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, ग्रेड सी और ग्रेड डी 2019 का जो एग्ज़ाम होगा ये 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में कराया जाएगा, ठीक है। और अब हम आते हैं अगला। अगला क्या है, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर की 2019 का जो पेपर सेकंड जो होना था, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, तो ये कब होगा, DES जो भी है डिस्क्रिप्टिव पेपर इसका होगा, ये होना था 31 जनवरी 2021 को, बट इसमें भी बदलाव कर दिया गया, ये पेपर होगा 21 मार्च 2021 को, ठीक है, आप देख सकते हैं। और फिर आगे दिया गया है, स्टार इसमें जो लगा है उनकी जो है डेट चेंज हो सकती है, ठीक है, ऐसा उसमें दिया ही होता है। फिर क्या दिया गया है, देयर विल बी, नोट क्या दिया गया है नोट में, आप देख सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द शेड्यूल
देयर विल बी नो चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। मतलब जो 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में जो CHSL टीयर फर्स्ट का जो लेफ्ट स्टूडेंट थे जिनका एग्ज़ाम जो है कोरोना की वजह से रोक दिया गया था, उनका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में ही कराया जाएगा। उनकी डेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी हमने बताई है, जानकारी दी है, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लोगों के पास शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि डेट में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।